हेलो दोस्तों क्या हाल है आप सभी के आई एम राहुल अरोड़ा पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज एम सी क्यूज ये आपके आने वाले सभी एस एस सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर भी जी के पूछी जाती है वहाँ पे ये आपके जो सवाल हैं आपके काफ़ी मदद करेंगे इनफैक्ट ये जो टॉपिक्स हैं जिनसे मैं सवाल आपको कराऊंगा यहाँ पर प्रैक्टिस ये सभी टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेलाइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए आपका कंटेंट का लॉस हो. पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा मैं आपको हर सवाल को पढ़ने के समझने के करीब दस सेकंड दूंगा उसके बाद आपको आंसर अलोंग विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा फॉर विच स्पेसिफिक रीजन इज पिंगली वेंकैया रिमेंबर्ड इवेंट टूडे ही कंपोज्ड द म्यूजिक फॉर द नेशनल एंथम ऑफ गोवाइंड इंडियन नेशनल फ्लैग ही

तमिलनाडु कर्नाटक केरला या आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर थ्री केरला के अंदर देखने को मिलती है अरेबियन सी के पैलल है या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है उसके पैलल है और यहाँ पर बोट रेसिंग होती है जिस जिसे हम नेहरू ट्रॉफी के नाम से जानते हैं लॉन्गेस्ट लेक ऑफ केरला एंड इंडिया है ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर होगा केरला अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक आप पढ़ के जरूर जाइएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का ये वाला जो टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है और सभी सवाल सिंपल और डुएबल होते हैं अ मार्केट स्ट्रक्चर विच इज डोमिनेटेड बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फ़र्म्स इज कॉल्ड क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली ओलीगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको चारों ही ऑप्शन समझाऊंगा इनके बीच क्या की डिफरेंसेस है वो बताऊंगा देखिए ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म्स पूछा गया है यानी फ्यू फॉर्म्स पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री ओलीगो याद रखेंगे जो सेलर्स का काउंट है यहाँ पर मैं लिखता हूँ कितने सेलर होंगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कितने बायर्स होंगे अगर मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की बात करता हूँ तो एम यानी मैनी सेलर्स होते हैं और मैनी ही बायर्स होते हैं और जो प्रोडक्ट है वो होता है सेम यानी सभी लोग आ, समान सामान बेच रहे हैं सभी लोग खरीद रहे हैं और बिल्कुल एक जैसा सामान बेचा खरीदा जा रहा है मोनोपोली के केस में एक ही बेचने वाला होता है और खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं ओलिगोपोली के केस में जो है फ्यू यानी सम जो है बेचने वाले होते हैं खरीदने वाले काफी ज्यादा जैसे एयरलाइंस है ये सर्विस बेचती हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर है या आपके मोबाइल का जो सिम है टेलीकोम्युनिकेशन है इसमें कुछ ही बेचने वाले हैं खरीदने वाले काफी सारे हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर बहुत सारे बेचने वाले बहुत सारे खरीदने वाले लेकिन हेट्रोजीनस सामान यानी डिफरेंट सामान है यानी पहले और चौथे ऑप्शन में की डिफरेंस है होमोजिनस और हेट्रोजीनियस का मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर मैनी सेलर मैनी बायर अलग अलग सामान परफेक्ट कंपटीशन में मैनी सेलर मैनी बायर सेम सामान मोनोपोली में एक बेचने वाला बाकी खरीदने वाले ओलिगोपोली में कुछ बेचने वाले बाकी खरीदने वाले ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर है आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अगला सवाल विच माउंटेंस आर ऑन इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार सतपुरा विंध्या काराकोरम या देखिए सतपुरा तो भारत के बीच में पड़ते हैं ऊपर की तरफ विंध्या है फिर सतपुरा है ये आपका गुजरात वाला हिस्सा हो गया फॉर रेफरेंस तो सतपुरा विंध्या तो आपका ऑलमोस्ट बीच में है इनफैक्ट विंध्या को ही हम मानते हैं विंध्या के नीचे वाला हिस्सा साउथ इंडिया कहलाता है काराकोरम आपका ये लद्दाख वाला हिस्सा हो गया ये भी नहीं होगा आंसर पूर्वांचल इसका सही हिस्सा होगा जो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर, मिजोरम वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा जब आपके माउंटेन्स ऐसे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर बैंड लेते हैं तो ये वाला जो बॉर्डर है आपका ये पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर फोर इज़ द करेक्ट आंसर अगला सवाल मेम्बर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स टू ईयर्स थ्री ईयर्स फाइव ईयर्स या सिक्स ईयर्स देखिए राज्यसभा को लेके ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है तो पूरे तरीके कभी डिसॉल्व नहीं होता जैसे लोकसभा जनरली पाँच साल में डिसॉल्व हो जाती है राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और हर मेंबर जो है उसमें छः साल के लिए बैठता है लेकिन आफ्टर एवरी टू ईयर्स वन थर्ड ऑफ द मेम्बर्स गो अवे एंड वन थर्ड ऑफ द मेम्बर्स न्यू मेबर्स कम यानी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि अगर टोटल मान लेते हैं तीन लोग हैं राज्यसभा में तो दो साल के बाद पहला चला जाएगा और कोई और आ जाएगा उसके दो साल के बाद दूसरा चला जाएगा कोई और आ जाएगा उसके तीन साल के बाद ये तीसरा चला जाएगा कोई और आ जाएगा तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक आदमी छः साल के लिए वहाँ पर बैठेगा ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर है सिक्स ईयर्स आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा ऐसे और बहुत सारे थ्योरी और प्रैक्टिस के कंटेंट के लिए आप अकेडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं पी एम वाई टी डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके इस कोड को आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में एस एस सी कैटगरी के सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज क्लास पी डी एफ्स टाउटलिन स्टेशन सब कुछ आपको मिल जाएंगे ये कोड पूरे अकेडमी पर हर एक कैटेगरी के अंदर वैलिड है तो आप किसी भी कैटेगरी का प्लान लें आप सेम कोड पी एम वाई टी लगा के अपना प्लान ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मिलता हूँ मैं सभी से आने वाली वीडियो में थैंक यू